हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली लाइफ टेक। बोगनवेलिया एक खूबसूरत फूलों वाला एक झाड़ीनुमा पौधा है। इसकी शाखाओं को काटकर आप इसके नए पौधों को बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। मोमबत्ती के वैक्स का इस्तेमाल करने से इसकी कटिंग में नमी हमेशा बनी रहती है, जिससे यह जल्दी सूखती नहीं है। बोगनवेलिया की कटिंग बिना किसी रूटिंग हार्मोन्स के ही लग जाती है, लेकिन यदि आपके पास कोई रूटिंग हार्मोन्स है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोगनवेलिया एक कड़ी लकड़ी वाला पौधा है, इसलिए इसकी कटिंग को हमेशा सर्दियों के मौसम में ही लगाया जाता है। इसके कटिंग की मोटाई हमेशा पेंसिल के मोटाई के आसपास और इसकी लंबाई 4 से 7 इंच के बीच लेना ज्यादा अच्छा रहता है। इसकी कटिंग को लगाते समय इसकी कटिंग का लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा मिट्टी में जरूर दबाएं। बोगनवेलिया बहुत ही कम पानी वाला पौधा है, लेकिन इसकी कटिंग में नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर इसमें पानी देते रहना बहुत जरूरी होता है। इस पौधे को धूप बहुत पसंद है, लेकिन इसकी कटिंग को हमेशा छायादार स्थान पर ही रखें। बोगनवेलिया को छतों पर या जालियों पर चढ़ाकर आप अपने घर को छायादार भी बना सकते हैं। इसमें आने वाले गुच्छेदार फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसमें एक वर्ष में कई बार फूल आते हैं। इस प्लांट का इस्तेमाल फ्लावरिंग प्लांट और छायादार कवरिंग के साथ साथ बोनसाई प्लांट के रूप में और सुरक्षा के लिए चार दीवारी बनाने में भी किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें जरूर बताएं। इस पौधे से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।